नमस्कार, मैं जनभक्ता श्री ओम गौतम। और बड़ी खबर आ रही है कि मोदी सरकार ने पिछले एक साल के दौरान एनपीए से करीब 1,21,000 करोड़ रुपए वापस ले लिए हैं। जी हां, पहले जो एनपीए 8.86 लाख करोड़ था, अब वो घटकर 7.9 लाख करोड़ हो गया है। जो सीधे तौर पर मोदी सरकार द्वारा एनपीए में से जो रिकवरी की गई है उसकी वजह से ये घटा है। और इसकी घोषणा आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा दी, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि अब भारत के अंदर जो बड़े सरकारी बैंक हैं उनकी संख्या घटकर 12 रह जाएगी। और इसके लिए उन्होंने कई बैंकों के विलय की जानकारी दी। इनमें से जो बड़ा विलय हो रहा है वो पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में होगा। और उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल बैंक बन जाएगा, जिसकी की बाजार पूंजी जो होगी 17,10.94 करोड़ रुपए होगी। तो सीधे तौर पर उसके अलावा कैनरा बैंक में भी सिंडिकेट बैंक का विलय होगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय होगा, इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का विलय होगा। इसके बाद इनकी जो पोजीशन होगी वो कैनरा बैंक की पूंजी हो जाएगी 15.20 लाख करोड़ रुपए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 14.59 लाख करोड़ रुपए, इंडियन बैंक की 8.8 लाख करोड़ रुपए। और ये क्रमशः दूसरे, चौथे, पांचवे और सातवें नंबर पर आ जाएंगे। फिलहाल पहले नंबर पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरे नंबर पर है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिनकी की जो पूंजी है वो बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद उन्होंने साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो बेल आउट पैकेज की बात की गई थी, बैंकों को जो पैसे देने की बात की गई थी, उसमें जो 70,000 करोड़ रुपए की बात थी उसमें से 16,000 करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक को मिलेंगे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 11,700 करोड़ रुपए मिलेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा को 7,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, कैनरा बैंक को 6,500 करोड़ रुपए मिलेंगे, इंडियन बैंक को 2,500 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक को 3,800 करोड़ रुपए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 3,300 करोड़ रुपए और यूको बैंक को 2,100 करोड़ रुपए। इसके साथ ही यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को 1,600 करोड़ रुपए और पंजाब एक्सचेंज बैंक को 750 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो उसके बाद जब भारत में जो बैंकों के स्थिति रह जाएगी उसमें पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सीधे तौर पर ये कुल 12 बैंक बचेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसके साथ ही साथ उन्होंने एक और बात कही है कि हर बैंक में अब एक रिस्क इंचार्ज होगा, जिसका काम ये देखना होगा कि जो लोन वगैरह जा रहे हैं उन पर वो निगरानी रखेगा और उसको बहुत सारे अधिकार दिए जाएंगे, जिससे कि बैंकों की जवाबदेही बनेगी। और जो एनपीए बन गया था यूपीए के कुकर्मों की वजह से, अब उस तरीके का एनपीए भविष्य में न बने, इस बात को देखने का काम भी जो रिस्क मैनेजमेंट अधिकारी होगा उसको करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने आगे बताया कि हाउसिंग फाइनेंस को भी 3,300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और 3 लाख से ज़्यादा सेल कंपनियां बंद की गई हैं पिछले 1-1.5 साल में। उन्होंने इसकी जानकारी दी और ये सेल कंपनियां वो थी जो फर्जी तौर पर कंपनी बनाकर पैसे का लेन देन किया जाता था, इधर से उधर हवाला होता था और उसमें बहुत सारे घपले होते थे, टैक्स बचाया जाता था, जिसको अब पूरी जो जाँच के बाद में बंद कर दिया गया है और उन सभी को बंद करने से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि किस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा में भी जब विलय हुआ था विजया बैंक का, तो उसको अब बैंक ऑफ बड़ौदा प्रॉफिट में आ गया है और इसका असर अब शेयर मार्केट पर भी देखने को मिला। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सेंसेक्स 263 अंक मजबूत होकर 37,332 पर बंद हुआ और वहीं निफ्टी 74.95 अंक की बढ़त लेकर 11,023 अंक पर बंद हुआ। तो निश्चित तौर पर इसका जो
प्रतिबिंब है वो बाजार की तरफ से देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में आज एक और बड़ा काम हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सीबीआई ने 150 जगहों पर आज छापेमारी की, औचक छापेमारी की। और ये औचक छापेमारी करने से जो शिकायतें पहले मिला करती थी कि इन इन डिपार्टमेंट्स में जनता को परेशानी होती है, जनता को दिक्कतें होती है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, आज उन सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर जिनमें शिकायतें मिलती थी उनमें छापेमारी की गई, जिसमें रेलवे, कोल, खनन और मेडिकल, स्वास्थ्य विभाग, फूड कॉरपोरेशन, पावर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ईएसआई, ट्रांसपोर्ट, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, फायर सेवाएं, रजिस्ट्रार दफ्तर और इंडस्ट्रियल, इसके अलावा डीएसटी विभाग, पोर्ट ट्रस्ट, नेशनल हाईवे, डीएपीवी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी सीबीआई ने अपने निशाने पर रखा। साथ ही वित्तीय विभाग, पुरातत्व विभाग, शिपिंग और बीएसएनएल जैसे विभागों में भी आज छापेमारी की गई, जो कि भारत के अनेक शहरों में ये छापेमारी हुई, जिसमें से दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, श्रीनगर, शिलांग, चंडीगढ़, गुवाहाटी, शिमला, चेन्नई, मदुरई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, गांधीनगर, गोवा, भोपाल, जबलपुर जैसे शहर, साथ ही साथ नागपुर, पटना, रांची, गाजियाबाद, देहरादून, लखनऊ जैसे शहरों में भी ये छापेमारी की गई, जिसका मकसद ये था कि जिस तरीके की शिकायतें मिला करती थी कि विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार होता है, तो सीबीआई ने उन विभागों के जो बहुत ज़्यादा बदनाम इलाके थे उन शहरों में जा जाकर आज छापेमारी की। और इस छापेमारी का असर लॉन्ग टर्म में देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि अब इन सभी डिपार्टमेंट्स में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत लेने से डरेगा, क्योंकि उसे अब ये डर लगेगा कि कभी भी सीबीआई की रेड हो सकती है। और जो पहले ये समझा जाता था कि सीबीआई की रेड केवल तब होती है जब शिकायत चली जाती है, लेकिन इस तरीके की औचक निरीक्षण की बात प्रधानमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है एजेंसियों को कि भारत में भ्रष्टाचार को रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। और जहां भी भ्रष्टाचार के अगर कहीं शिकायतें मिलती हैं या आपको सूचनाएं मिलती हैं तो वहां सीबीआई और बाकी एजेंसियां छापेमारी करें और जो भ्रष्ट लोग हैं उनको जेल में डालने का काम करें। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि देश को आज तक सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी ने किया है तो वो भ्रष्टाचार ने किया है। जितना विदेशियों ने नुकसान नहीं किया, जितना इस देश का भ्रष्टाचार ने नुकसान किया है। पिछले 70 सालों में देश के आज़ाद होने के बाद भी भ्रष्टाचार की वजह से उतना ज़्यादा विकास देश का नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए। और इसके पीछे एक बड़ी वजह ये रही कि पहले जो कांग्रेस की या उससे समर्थित सरकारें हुआ करती थी वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करती थी। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में करीब करीब 7 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले बाहर निकल कर आए थे। और अगर पूरा कांग्रेस के शासन को देखा जाए तो वो 15 लाख करोड़ से ज़्यादा के भ्रष्टाचार के मामले बनते हैं जो केंद्रीय स्तर पर निकल कर आए। और राज्य सरकारों की अगर बात की जाए तो उसका आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि केंद्र में जो कांग्रेस की सरकार थी उसके खुद के ऊपर तमाम ऐसे भ्रष्टाचार के मामले निकल कर आए थे। उसके अलावा पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ा खुलासा किया था कि किस तरीके से कांग्रेस गवर्नमेंट ने 10 साल के अंदर 58 लाख करोड़ रुपए के कर्ज बांट दिए थे और उनमें से ज़्यादातर कर्ज उन लोगों को दिए गए थे, उन धनाढ्य लोगों को दिए गए थे जो कि पहले से बैंकों का पैसा दबाकर बैठे हुए थे। और यही वजह थी कि बैंकों का जो एनपीए था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, और जिसका आज हमने आपको जैसे बताया कि 1,21,000 करोड़ रुपए उसमें से वापस लाने में मोदी सरकार कामयाब हुई है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की उन गलतियों का खामियाजा, उन भ्रष्टाचारों का खामियाजा देश की जनता को अब तक भुगतना पड़ रहा है, लेकिन मोदी सरकार की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि 6 साल के भीतर अभी तक भ्रष्टाचार का कोई भी मामला बाहर नहीं आया, कोई भी ऐसा मामला साबित नहीं कर पाया विपक्ष जिससे कि ये साबित होता हो कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। और साथ ही साथ जो भ्रष्टाचारी थे उनके ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उससे अब ये लगता है कि जो भ्रष्टाचार कांग्रेस की यूपीए 1 और यूपीए 2 में हुआ है
उन सभी को सजा मिलकर रहेगी। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज फिर से पी चिदम्बरम नाम के भारत के पूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता को तीसरी बार आज सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया। और इसके लिए बाद में खुद चिदम्बरम के वकीलों ने ही सुप्रीम कोर्ट में ये मांग की थी कि सोमवार तक के लिए उन्हें रिमांड पर रखा जाए। और इसकी वजह ये थी कि चिदम्बरम और उसके वकील नहीं चाहते थे कि अगर सीबीआई रिमांड पर नहीं भेजा गया तो निश्चित तौर पर चिदम्बरम को आज तिहाड़ जेल जाना पड़ता, जो कि बहुत बड़ा झटका होता कांग्रेस पार्टी के लिए और चिदम्बरम के लिए। इसीलिए चिदम्बरम की कोशिश ये थी कि उन्हें सीबीआई रिमांड पर भेजा जाए। हालांकि इस मामले में अभी ईडी की तरफ से भी रिमांड की नोटिस दी गई है और चिदम्बरम को किसी भी तरीके की जमानत का विरोध ईडी कर रहा है, जो कि चिदम्बरम की विदेशों में मिली हुई हजारों करोड़ की संपत्ति की जांच में लगा हुआ और मनी लॉन्ड्रिंग के कई सारे केसेस में एफआईआर ईडी में दर्ज है चिदम्बरम के खिलाफ, जिसको लेकर अभी अपना फैसला सुरक्षित रखा है सुप्रीम कोर्ट ने और वो 5 सितंबर को इस फैसले को सुनाएंगे। तब तक 2 सितंबर तक के लिए चिदम्बरम को सीबीआई के रिमांड पर रहना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ा सबूत है, जो सवाल उठाया करते थे कि अब तक पिछले 6 सालों में मोदी सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्या किया है। और इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज अधीर रंजन चौधरी नाम के कांग्रेस के नेता ने संसद में दिया था और कहा था, पूछा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे मंत्रियों से, सभी एनडीए के सभी घटक दलों से, कि आप बताइए, आप कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, तो आप अब तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी या दूसरे कांग्रेसी नेताओं को जेल में क्यों नहीं पहुंचा सके। अब उसी का जवाब भारत की जो जांच एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, आईबी है, ये देने की कोशिश कर रही हैं। और उसका एक जवाब प्रधानमंत्री ने भी दिया था, गृह मंत्री ने भी दिया था कि हम जो एजेंसी है उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और सजा देने का काम अदालत करती है, अदालत अपना काम कर रही है, आप धैर्य रखिए, जिन लोगों के नाम आपने लिए हैं वो धीरे धीरे करके जेल की चौखट तक आ गए हैं और मैं उन्हें जेल के अंदर भी पहुंचा कर रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।